बरगद का पेड़ है जहाँ से उन दोनों को लटका कर अंग्रेज़ों ने जान से मार डाला था। सो बहुत दिन से मैं इस जगह को देखती थी आते जाते, ये मेरे घर से हार्डली 4 किलोमीटर की दूरी पर है, पर मैं कभी यहाँ आती नहीं थी। मुझे किसी ने बताया था कि यह स्मारक है। मैंने इंटरनेट पे बहुत सर्च किया चुट्टूपालू करके, चुट्टूपालू में शहीद स्मारक, पर मुझे कुछ इंटरनेट पे भी ख़ास इसके बारे में मिला नहीं। मैं आपको दिखाती हूँ, ये एक जगह है जहाँ कहा जाता है कि अंग्रेज़ जो भी हम लोग के जो जिन्होंने भी हमारे देश के लिए लड़ाई की, जो भी शहीद हुए, उनको यहीं पे ला कर के फांसी दी जाती थी। मतलब मैंने ऐसा सुना है, मुझे अभी भी पता नहीं है कि इसके अंदर जाना अलाउड है कि नहीं, पूछना पड़ेगा किसी से। यहाँ जा सकते हैं अंदर? बापरे बाप, बापरे एक ऐसे कुत्ता किसी को काट लिया था। ठीक है, इसको थोड़ा उधर ही रखिए ना, हटा दीजिए इसको थोड़ा। यहाँ पे क्या होता था? पार्क बन रहा है। नहीं, ये शहीद स्मारक क्यों है इसका नाम? यहाँ पे क्या होता था? शहीद स्मारक क्यों है? अंग्रेज के जमाना में ना इसी को बरगद का पेड़ में जो आदमी था उसी के नाम से मतलब ये बन रहा है। अच्छा हुआ है बोर्ड में दो आदमी को फांसी लगा दिया था यहाँ पे अंग्रेज लोग लगा दिया। तो अभी इन्होंने हमें परफेक्ट डिस्क्रिप्शन दे दिया इस जगह का कि यहाँ पे जो वहाँ अंग्रेज़ों ने ला के दो बंदों को फांसी दे दी थी, दो शहीदों को, तो बरगद के पेड़ पे टांग दिया था यहाँ पे। तो यहाँ एक पार्क बन रहा है उन्हीं की याद में, यहाँ पे एक पार्क बन रहा है। ये बिल्कुल मेरे घर से 4-5 किलोमीटर की दूरी पे होगा। बहुत ही खूबसूरत जगह है। के बरगद के पेड़ से टांग दिया गया था उन्हीं की याद में, ये जगह का रीडेवलपमेंट हो रहा है। बहुत ही अच्छा कॉज, और अच्छा हुआ आज मैं यहाँ आ गई, मुझे पता ही नहीं चलता ये मेरे घर से इतनी पास है ये जगह। और मैं ये कुछ इस तरह का लगता है, ये चुट्टूपालू घाटी है, रांची जाने का रास्ता। कौन सा बरगद का पेड़ है? तो अभी मम्मी, तो यहाँ मम्मी मेरी गाइड बनी हुई है। मम्मी मुझे बता रही है कि वो बरगद का पेड़ है। बहुत ही ऐतिहासिक जगह है, मेरे को तो बहुत एक्साइटमेंट हो रहा है कि ऐसा कोई जगह मेरे इतने पास है। मतलब रामगढ़ का बहुत रोल है ड्यूरिंग द इंडिपेंडेंस, अ लॉट ऑफ थिंग्स हैपेंड हियर। तो ये है वो बरगद का पेड़। तो मम्मी मुझे बता रही है कि ये वाला पेड़ है। आप सोचिए उनको कि जब मतलब इतनी गुमनामी में वो लोग चले गए और हमें पता ही नहीं है कि उनका 1857 भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में योगदान। 1856 में जब अंग्रेज़ों ने राजाओं महाराजाओं पर चढ़ाई करने की योजना बनाई तो इसका अंदाज़ा भारत के राजाओं महाराजाओं को होने लगा। जब इसकी भनक ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव को मिली तो उन्होंने अपने वजीर पांडे, गणपत राय, दीवान शेख भिखारी, टिकैत उमराव सिंह से मशवरा किया। इन सभी ने अंग्रेज़ों से लोहा लेने की ठान ली। शेख भिखारी ने बड़का गांव की फौज में रांची तथा चायबसा के नौजवानों को भर्ती करना शुरू किया। इसी बीच अचानक
1857 में अंग्रेज़ों ने चढ़ाई कर दी। विरोध में रामगढ़ रेजिमेंट ने अपने अंग्रेज़ अफसरों को मार डाला और रामगढ़ रेजिमेंट छोड़कर शेख भिखारी के फौज में शामिल हो गए। इस तरह आज़ादी के आग पूरे छोटा नागपुर में फैल गई और अंग्रेज़ भाग खड़े हुए। इसी बीच अंग्रेज़ी फौज जनरल मैकडोना के नेतृत्व में रामगढ़ पहुंची। चुट्टूपालू के पहाड़ों के रास्ते रांची आने लगी। अंग्रेज़ों को रोकने के लिए टिकैत उमराव सिंह और शेख भिखारी ने सेना लेकर चुट्टूपालू घाटी पहुंच गए और पेड़ों को काटकर अंग्रेज़ों का रास्ता रोक दिया। पहाड़ के ऊपर से गोलियों की बौछार कर उन्होंने अंग्रेज़ों के छक्के छुड़ा दिए। जब गोलियां ख़त्म हो गई तो पहाड़ के ऊपर बड़े बड़े पत्थर फेंककर अंग्रेज़ फौज को तितर बितर कर दिया। लड़ाई काफ़ी दिनों तक चली। आखिरकार अंग्रेज़ों ने खुफिया रास्ते से सहारे चुट्टूपालू पहाड़ पर चढ़कर 6 जनवरी 1858 को दोनों को गिरफ्तार कर लिया। 8 जनवरी 1858 को दोनों को चुट्टू पहाड़ी के इसी बरगद के पेड़ से लटकाकर फांसी दे दी गई थी और वे स्वतंत्रता की लड़ाई में शहीद हो गए थे। बरगद का पेड़ है जहाँ से उन दोनों